हो रहा है. सोहाय दोस्तों जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना पूरा देखना और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखें और जो लोग मुझे जानते ही नहीं हैं वो लोग काफ़ी सुखी लोग हैं क्योंकि वो आज के टाइम में इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो सकता है ये वीडियो मेरा आखिरी अरे वन एक काम करना तू तो ऐसा बैकग्राउंड में वो बजा ना अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना उस पर कॉपी क्लेम आ जाएगा हाँ तू काए टेंशन ले रहा है मैं गा देता हूँ ना अपने मुँह से उससे अच्छा है कॉपीराइट क्लेम आ जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ अब डिस्टर्ब नहीं करना इंटरनेट हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ना और शायद मेरे कॉमेडी छोड़ने की वजह हाँ हेलो नहीं रे वो कॉमेडी भी करेगा एक मिनट एक कोई और टैलेंट है क्या तेरे में शायरी 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 कर लेगा हाँ पैसा नहीं देंगे शॉल और एक कमल का फूल एक काम करो फूल गुलाब का कर दो और दो शॉल हाँ अब ये सब हो गया तो प्लीज़ बकवास बंद कर दो मैं मुझे याद भी नहीं मैं क्या बोल रहा था क्या बात कर रहा था क्या बात क्या बिग बॉस की बात कर रहा था नहीं बिग बॉस नहीं इंटरनेट हाँ तो एक ही तो बात है कोई सुनता कहाँ है सिर्फ लड़ते तो इंटरनेट हम पहले भी यूज़ करते थे आज से दस साल पहले याद है हम इंटरनेट यूज़ करते थे दोस्त बनाने के लिए वॉलपेपर रिंगटोन्स डाउनलोड करने के लिए और हमारी खुशी के लिए हमें खुशी मिलती थी जो भी करते थे और आज इंटरनेट पर सिर्फ दुश्मन जाते हैं, दुश्मन भी उसको जिसको आप जानते भी नहीं हो और उस इंसान के लिए दुश्मन बना रहे हो जो आपको नहीं जानता ये क्यों कर रहे हम हम ये क्यों भूल चुके हैं कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए है? हम अगर बैन करना चाहते किसी चीज को तो इंटरनेट पे होने वाले हेट को बैन क्यों नहीं कर रहे है? एक भेड़ चाल होती है लोग बिना सोचे समझे घंटों घंटों तक किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करने लगते लड़ने लगते गालियां देने लगते हम ये क्यों कर रहे हम इंटरनेट को सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते कोशिश कर सकते छ घंटे आर्ग्यूमेंट इस चीज पे करना कि किसी ने पिज्जा खा लिया बस बस लड़ते रहेंगे और ये भेड़ चाल है ये जो सियासत है उसका कोई भी शिकार हो सकता है मैं शिकार नहीं हुआ मुझ पर तो सिर्फ खरोंच आई, और वो भी उस चीज़ की वजह से जो मैंने की तक नहीं थी किसी की सियासत और किसी की ये भेड़ चाल इसके चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैंने कभी नहीं चाह कि मैं किसी का दिल दुखा दूँ और कभी फेमस होना भी नहीं चाहा फेमस होना होता तो गाड़ी में बैठ के गालियां दे रहा होता किसी को बट नहीं हमने लोगों को हंसाना चुना स्टैंड अप कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुशी मिलती है जब लोग खुश होते हैं लोग हंसते हैं मैं जब मैसेज रिसीव करता हूँ इस तरह के कि हमारा दिन बहुत बुरा जा रहा था एग्जाम थी स्ट्रेस था हम आज बहुत ये थे हमें खुशी हुई अच्छा लगा आपका ये जोक वो जोक अच्छा लगता है वो खुशी मिलती है उससे हर इंसान का अपना एक पैशन है किसी का पैशन ये है कि वो गाड़ी में बैठ कर लोगों को गालियां दे हमारा पैशन ये है कि हम लोगों को हंसाए कैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा हो? कैसे किसी का दिल दुखा सकते हो? नहीं धक्का लगने पे चार बार सॉरी बोल देते किसी को तकलीफ हो वो कभी नहीं चाहूंगा और मैं ही क्या हर एक फॉर्म बहुत मेहनत से लोगों को एंटरटेन करने के लिए हर एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है और एंटरटेनमेंट ने और आर्ट ने हमेशा लोगों को एक किया हमारे शो पे हमें नहीं पता कौन क्या है कौन सा क्या फॉलो करता है वो बस वो हंसता है और हमें खुशी मिलती है हाँ स्टैंड कॉमेडी कोई मजबूरी में चूज़ नहीं करता है बट वो अचीव करने के लिए बहुत मजबूरियों से गुजरना पड़ता है एक जोक लिखने के लिए बहुत मेहनत लगती है किसी को हंसाना बहुत मेहनत का भी काम है और मेरे किसी भी जोक को लेकर किसी का दिल दुखाने का कभी इंटेंशन हो ही नहीं सकता तो हर एक कंटेंट क्रिएटर जब कंटेंट क्रिएट करता है जब बनाता है तो उसे लाइक्स चाहिए होते वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो वीडियो देखें लोग पसंद करें और एक कुछ लोग हैं जिनको अपने एजेंडाज या अपनी तकलीफें वो कमेंट्स में लिखनी है हम पढ़ते हैं ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ते हम पढ़ते हैं वो मैटर भी करता है मैं ये नहीं बोलूंगा अरे कमेंट जो लिखना है लिखो मुझे फर्क नहीं पड़ता नहीं बहुत फर्क पड़ता है जब एक भी गाली आती है बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं वो तो चाहता ही नहीं मैंने एक वीडियो पर कॉमेंट ऑफ कर दिया तो किसी ने कहीं और कॉमेंट किया कि कॉमेंट ऑफ कर दिए डर गया नहीं वो वीडियो पे जब आप बुरे कमेंट्स कर रहे थे मेरे चाहने वाले आपको बुरे कमेंट्स कर रहे थे वो झगड़े हो रहे थे मैंने वो रोकने के लिए कमेंट्स बंद किया मैं चाहता तो ना पढ़ता कमेंट्स बट वो पढ़ता हूँ मुझे इफेक्ट होता है क्यों नहीं होगा क्योंकि इंटेंशन ही नहीं मुझे पता होता मेरे मुझे कोई विरोध में मेरे सामने कोई खड़ा क्यों चाहिए मुझे साथ चाहिए लोग और मैं ये अपने अपने फैंस जो मुझे फॉलो करते हैं या मुझे पसंद करते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई मुझे गाली दे तो उनको सामने प्लीज गाली मत दो प्लीज गाली मत करो यही तो नहीं करना है लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लेके इंटरनेट पे आते हैं उनको पूरी बात पता भी नहीं होती है और आके कुछ भी लिख देते शेयर कर देते तो प्लीज़ किसी के साथ एंगेज मत हो कोई आर्ग्यूमेंट्स में मत करो अपने टाइम वेस्ट मत करो आप गाली दोगे वो सामने आपको गाली देगा उससे कुछ हासिल नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे किसी भी आर्ग्यूमेंट का कोई कंक्लूजन नहीं है कोई नहीं जीतता है बस गालियां दी जाती है एक दूसरे के माँ बाप को आप डिसाइड करो ना आप डिसाइड करो आपको क्या करना है कुछ लोग हैं जो इंटरनेट पे हेट फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आप क्या करना चाहते हो आप उनके साथ नफरत फैलाना चाहते हो या आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हो और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना चाहते हो मैं खुद भी चाहूंगा कि हम ये क्यों ना करें हम हेट को इतना बढ़ावा क्यों दे हम इन्हें क्यों स्टार बनाए हम इन्हें फॉलो करते मजाक मस्ती के लिए करें यार क्या स्टाइल में गाली देता है लेकिन उनके नंबर्स जब बढ़ते हैं उनको लगता है कि लोग पसंद कर रहे वो बस ऑनलाइन ऑनलाइन गाली दे रहा है सुनने मजा आ रहा है कभी ऑडिटोरियम में उसकी गालियां सुनने जाओगे आप हजार रुपया पे करके क्या आप खड़े रहो डेढ़ घंटे तक सब गाली दो हमने हजार रुपया पे किया आपको देखें वो कंटेंट नहीं है वो बस हेट है हम जब मूवीज देखने जाते हैं और एक्शन सीन अच्छा नहीं होता तो हम पता है कंप्लेन करते है यार थोड़ा फेक लग रहा था हमें पता है वो फेक है बट फिर भी जब वो फेक लगता है तो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें झगड़े देखना पसंद है हम ही मज़े लेने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा प्रोत्साहन देते और जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है आप डिसाइड करो ना कि आप प्यार बांटना चाहता हूँ इंटरनेट पे या नफ़रत और मैं सॉरी कहना चाहूंगा अपने फैंस से <coughs> भाई पानी थैंक <coughs> यू <Thank you. coughs> ले जो. नीचे तो मेरे फैंस से मैं सॉरी कहना चाहूँगा इसलिए कि वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में मैंने गलत स्पेलिंग डाला है मुनावर फारूक की लिविंग कॉमेडी नहीं है मुनावर फारूक लिविंग कॉमेडी है क्योंकि मैं कॉमेडी की वजह से ज़िंदा हूँ मैं कॉमेडी नहीं छोड़ सकता क्योंकि शायद मुझे कॉमेडी ने जिंदा रखा है जब लोग हंसते वो कान में जाता है एनर्जी आती है। और जो नफरत कर रहे कोई बात नहीं उनका दिल भी जीत लेंगे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी हर आर्टिस्ट को ये चैलेंज मिलते नहीं है मुझे वो चैलेंज मिला है तो करके दिखाएंगे तो कॉमेडी तो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि किसी ने खूब कहा है मेरा ख्वाब जगेगा मेरी नींद भरी आंखों में आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ मेरे ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा कभी लिखना रुके तो दोनों काट देना हाथ मेरे तो कॉमेडी छोड़ने के हजारों रीजन है मेरे पास बट कॉमेडी करने का एक रीजन और वो ये है फॉर ये ऑफ द नाइट गिव फॉर मिस्टर मुनावर फॉर